मुझसे जो मिलके मजा है, कहां वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात की हमारी ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। ठीक है, तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? देखो भाई, कह रहे लाइब्रेरी है, दो टाइप की पुस्तकें हैं, एक कहानी की और एक बिना कहानी की। उनका अनुपात दे दिया 7:2। अब कुछ कहानी की किताबें और आ गई, अब इनका अनुपात बन गया 15:4। तो आपसे ये पूछा है भाई कितनी कहानी की पुस्तकें और आई, जबकि आपको दे रखा है कि शुरुआत में कहानी की पुस्तकें 1512 थी। ठीक है, तो देखो भाई, अब ये आपने कुछ चैप्टर्स पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे कि भाई जैसे कोई सॉल्यूशन है, आप जितना मर्जी चीनी डालो पानी तो उतना ही रहेगा, या मैं ये कहता जितना मर्जी पानी डालो चीनी तो उतनी ही रहेगी। ये उसी टाइप का सवाल है कि अब आप जितनी मर्जी कहानी की पुस्तकें ले आओ, जो अन्य पुस्तकें थी वो तो उतनी ही रहेंगी। तो देखो, पहले तो कह रहा है इनका अनुपात था 7:2 कहानी और अन्य पुस्तकों का, और बाद में ये अनुपात हो गया 15:4। तो देखो, पहले तो मैं कह रहा हूं अन्य पुस्तकें दो थी, बाद में कह रहा हूं अन्य पुस्तकें चार थी, तो सेटिंग नहीं बैठ रही यहां पे। इन दोनों को बराबर करो, क्योंकि अन्य पुस्तकें जितनी पहली थी उतनी ही बाद में थी। तो इस दो को चार बनाने के लिए मैं दो से गुणा करूंगा, इसको दो से गुणा करूंगा तो इस सात को भी दो से गुणा करनी पड़ेगी। यानी मैं इसको कह सकता हूं चार, दो से गुणा किया तो इसको भी दो से गुणा करना पड़ेगा, कितना बन गया 14। अब चीजें ठीक लग रही हैं भाई, पहली कहानी और अन्य पुस्तकों का अनुपात 14:4 था और अब हो गया 15:4। अन्य पुस्तकें पहले भी चार थी और अब भी चार ही है। ठीक है, तो देखो भाई, आपने कितनी ऐड करी 14 से 15 आने में, कहानी की पुस्तकें कितनी ऐड करी? एक। और ये आपको डाटा दिया गया है कि पहले कहानी की पुस्तकें 1512 थी, लेकिन भाई आपका सवाल क्या कह रहा है भाई? 14 थी, तो 14 की जगह 1512 दे रखा है। कितना गुना? 14 एकम 14 112, अच्छा 0 और 8 भाई 108 गुना। 14 का 108 गुना बन रहा है भाई 1512। तो मैं कहूंगा भी मैंने एक पुस्तक ऐड नहीं की थी, इस एक का 108 गुना ऐड किया था, यानी कि भाई 108 पुस्तकें ऐड की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 108 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान आपको दिया है 60 डिग्री भाई। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इनका औसत तापमान दिया है 60 डिग्री। तो मैं कहूंगा इन सब का योग कितना हो गया भाई? 60 गुणा में 4, 240 डिग्री। फिर आपको कहा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को औसत तापमान है 63 डिग्री। अभी फ्राइडे और आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनका औसत हो गया 63। तो 4 दिन 63 के औसत से भाई योग कितना हो जाएगा? 63 गुणा में 4, यानी कि 252। ठीक है, तो यहां से साफ पता चल रहा है भाई, देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन चारों में भी हैं और इन चारों में भी हैं। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है भाई मंडे और फ्राइडे में जो अंतर है वो 12 का रहा होगा, क्योंकि देखो 252 और 240 का अंतर 12 का है, और मंडे छोटा है, क्योंकि देखो जब मंडे आ रहा है तो योग बन रहा है 240, और मंडे ने आके जब फ्राइडे आ रहा है इन तीनों के साथ तो योग बन रहा है 252। यानी फ्राइडे मंडे से 12 डिग्री ज्यादा था। तो उसने आपको दिया भाई सोमवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे और फ्राइडे का रेशियो दे दिया कितना भाई? 21:25। तो देखो भाई कितना ज्यादा इस अनुपात के हिसाब से? 4 ज्यादा, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 ज्यादा नहीं भाई, 12 ज्यादा। तो इस 4 की जगह आपको 12 दे रखा है, कितना गुना? 3 गुना। तो पूछा है शुक्रवार का तापमान क्या था, तो शुक्रवार को भी 25 नहीं, 25 का 3 गुना था, कितना भाई? 75 डिग्री। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन सी 75 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है, यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, 132 विद्यार्थी हैं, कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, तो जो पास हुए हैं उनके अंकों का औसत 42 है, जो फेल हुए हैं उनके अंकों का औसत 20 है, और सबका मिला के 40 है,
तो आप ये पता कर सकते हो भाई जो बच्चे पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनकी संख्याओं का अनुपात कितना था। बिल्कुल एलिगेशन से ये मैंने मान लिया उत्तीर्ण वाले और ये मान लिया अनुत्तीर्ण वाले, ठीक है, पास और फेल। वो कह रहे उत्तीर्ण वालों की औसत थी 42, अनुत्तीर्ण वालों की औसत थी 20, और इन सबकी मिला के औसत कितनी थी भाई 40। तो मैं पता कर सकता हूँ किस अनुपात में थे। इनका अंतर यहाँ लिख दिया 20, इन दोनों का अंतर यहाँ लिख दिया 2, यानी ये 10:1 में थे। ये तो हो गए इनके छात्रों की संख्याओं का अनुपात। लेकिन उसने छात्रों की संख्याओं का अनुपात नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा है कि भाई उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात। तो देखो उत्तीर्ण अगर 10 विद्यार्थी हुए हैं तो अनुत्तीर्ण 1 हुआ है, तो उत्तीर्ण अगर 10 विद्यार्थी हुए हैं और मुझे ये भी दे रखा है भी इनकी औसत 12 है ना 42 है, यानी हर विद्यार्थी 42 नंबर लेके आया था, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मैं यहाँ पे क्या दूंगा 10 की गुना 42 से, ये तो नंबर लेके आए अनु उत्तीर्ण हुए वाले सारे छात्र मिलके, और अनुत्तीर्ण वाला हर छात्र 20 नंबर लेके आ रहा है, तो एक ही छात्र है, तो मैं कह दूंगा कितने नंबर आ गए 1 गुना में 20, यानी कि 20 ही, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको काट लो, 0 से 0 कट गया तो कितना आया 42 कटेगा 2 पे 21, और 2 को 2 1 से काट देगा तो 21:1, ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, 42:2 यानी 21:1। सो मैं कहूंगा ऑप्शन ए 21:1 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, 3:8 भाई अंतर कितना मिल रहा है हमें 5, लेकिन सवाल कह रहा है 5 नहीं भाई 115, कितना गुना 23 गुना। तो पूछा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, छोटी तो अपनी ये 3 थी लेकिन चीजें 23 गुना ज्यादा है, तो 3 को गुना किया 23 से, कितना मिला भाई 69। ऑप्शन 3 69 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ये चार संख्याएं दी हैं और कहे प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है भाई समानुपात में आ जाएंगी चीजें, वो ये पूछ रहा है, तो फटाफट ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो इसको, ठीक है। तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका वही आप एक्स मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 6 3 9 10 18 20, देखो 3 पे सेटिस्फाई हो रहा भाई, ऑप्शन 4 चेक करो 3। अगर मैं 3 जोड़ दूं सब में तो 6 में 3 जोड़े 9, ये हो गया 10, ये हो गया 18, ये हो गया 20। देखो 9:10 और 18:20 बराबर ही होते हैं, तो मैं कहूंगा ऑप्शन 4 यानी कि 3 इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या था, मैंने देखा इनका अंतर कितना है भाई 1 का और इनका अंतर कितना 2 का, तो मैं कहूंगा 6+x/15+x बराबर कितना भाई 1/2, यहां से कह दूंगा 12+2x बराबर हो गया 15+x, तो ऐसे x का मान आ गया कितना भाई 3, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट, ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का अनुपात दे दिया, तो पूछा है ए और सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो बी यहां पे भी है और बी यहां पे भी है, तो जब ए बी और सी को लिखोगे तो बी को बीच में लिखना, मैं कहूंगा ये ए ये बी ये सी, ए और बी का अनुपात 2:3, बी और सी का अनुपात 4:5, ठीक है ए के बारे में लिखना होगा, तो 4 की गुणा 2 से कितनी भाई 8, 4 की गुणा 3 से कितनी भाई 12, 3 की गुणा 5 से कितनी भाई 15। तो ने पूछा क्या आपसे ए और सी का अनुपात, अगर ए 8 है तो सी 15 होगा, 8:15 यानी भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 2 की घात 1.5 का अनुपात 2 की घात 0.5 से, ये पूछा है ये अनुपात निम्न में से किस अनुपात के बराबर है। देखो भाई 2 की घात 1.5 का अनुपात 2 की घात 0.5 से, ठीक है आप दोनों तरफ 2 की घात 0.5 से भाग दे दो इसको, यहां पे भी भाग दे दिया 2 की घात 0.5 से और यहां पे भी घात भाग दे दिया 2 की घात 0.5 से। तो भाई देखो ये सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में और इंडिसेस सर्च वाले चैप्टर में आप देखोगे ये चीजें, भाई जब भी यहाँ ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है और इन दोनों की घात अलग अलग है, तो मैं कहूंगा भाई घात जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, जब आपको इसको नीचे वाले को हटाना होगा, तो 1.5 में से आधा घटा दो, कितना बचा भाई 1 ही बचा, तो मैं कह दूंगा भाई ये 2 की घात 1 बची और ये अनुपात में ये तो आपस में कट गए 1, तो ये 2:1 ही हो गया, 2:1 यानी कि भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और 2 की घात 1.5 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1 तो पूरी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, 2 की घात 1.5 का मतलब होता है 2 की घात 1 गुणा में 2 की घात 0.5 और इसका अनुपात दे रखा है 2 की घात 0.5, ठीक है, क्योंकि
जब यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है और इनकी घातें अलग अलग हैं और ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रखी हैं, तो भी घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं कहूंगा ये आपस में कट गए, तो 2:1 आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एम अनुपात एन दे दिया आपको और पूछा है 4m+5n का अनुपात 4m-5n से। कुछ नहीं, आप एम को 3 रख दो और एन को 2 रख दो, उत्तर मिल जाएगा। भाई 4m+5n का अनुपात कह रहा है 4m-5n से। एम को रखो 3, एन को रखो 2। एम को 3 रखा तो ये 12, ये बन गया 10। 3 रखा तो 12 और ये बन गया 10, यानी भाई 22:2, इसको कह सकते हैं 11:1। ऑप्शन सी 11:1 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। ए और बी का अनुपात आपको दिया है, बी और सी का अनुपात और फिर डी और सी का अनुपात, और आपसे पूछा है ए बी सी डी का अनुपात बताएं किसके बराबर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट आप ऑप्शन से चेक कर लिया करो, जो सेटिस्फाई करो उस पर टिक लगा के आगे बढ़ो। देखो जब सबसे पहले आप ए अनुपात बी चेक कर लो, तो देखो ए अनुपात बी मुझे क्या मिलेगा, 3 की गुणा 2 से और इस 9 की गुणा 1 से। तो 3 की गुणा 2 से कितना भाई 6 और 9 की गुणा 1 से कितना भाई 9, 6:9 जिसको मैं कह सकता हूं 2:3। तो मुझे ए और बी 2:3 में मिलने चाहिए भाई। यहाँ पे है क्या? हाँ है। यहाँ पे है क्या भाई? हाँ यहाँ पे भी है। यहाँ पे है क्या? हाँ इधर भी है, लेकिन इसमें नहीं है 2:3 में। ठीक है, तो ऊपर वाले 3 में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। अब अगला चेक करो बी अनुपात सी। भैया देखो इसको आपस में काट लो, ये कट गया 2 पे, ये 2 उधर गया। 4:5 में होने चाहिए बी अनुपात सी। तो ये क्या 4:5 में है? नहीं है। ये 4:5 में है क्या? हाँ भाई है। ये है क्या? हाँ भाई ये भी है। तो अब अगला चेक करो सी अनुपात, डी अनुपात सी। ठीक है, 5 से 10 को काट दो, कितना बच गया 2, यानी कि 2 उधर गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा। 7:6 होना चाहिए डी अनुपात सी। अगर डी 7 है तो सी 6 होना चाहिए। देखो यहाँ पे है क्या? डी 7 है तो सी 6, भाई नहीं है, ये भी घट गया, यानी ऑप्शन बी बचता है अपने पास। भाई ये वाला ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा, भाई ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज का प्रोसेस क्या था इसको सॉल्व करने का वो दिखा देता हूं। जैसे आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:9 का अनुपात 1:3 से। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 की गुना 2 से, या कुछ पहले कट रहा है तो काट लो। देखो 3 इस 9 को काट रहा है, कितने पे? 3 पे। तो यहाँ मुझे उत्तर मिल जाएगा 2:3। ठीक है, फिर भाई बी अनुपात सी कितना, ये 7 इस 14 को काट देगा 2 पे, यहां मुझे मिल गया 4:5। ठीक है, फिर डी अनुपात सी कितना, भाई 5 इसको काट देगा 2 पे, तो ये हो गया 7:6। तो तरीका क्या होता है, मैं इनको ऐसे लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कि ए और बी अगर 2:3 में है तो बी और सी होंगे 4:5 में और सी और डी होंगे 6:7 में। ठीक है, तो यहां से भी मैं आंसर निकाल सकता था, लेकिन चीजें थोड़ी लंबी हो जाएंगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता। ऑप्शन देखो, सेटिस्फाई करवाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जगह खाली है, 4 लिख दूंगा, यहाँ पे जगह खाली है 6 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 6 लिख दूंगा, जगह खाली है। यहाँ पे जगह खाली है इसके साइड वाला 3 लिख दिया, यहाँ जगह खाली है 3 लिख दिया, यहाँ जगह खाली है 5 लिख दिया। अब इनको गुणा कर लो, 6 × 4 24, 24 का 2 गुना 48, 6 का 4 गुना 24, 24 का 3 गुना 72, 6 का 5 गुना 30 तिया 90, 7 का 5 गुना 35 का तिया 105। ठीक है, अब इस पूरे को 3 से काट दो, 3 से काटा तो भाई कितना मिला, इसको काटोगे 16 पे कटेगा, इसको काटोगे 24 पे कटेगा, इसको काटोगे 30 पे कटेगा, इसको काटोगे 35 पे कटेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना होता एग्जाम के अंदर, ये सारा प्रोसेस आपका टाइम वेस्ट कराएगा, आप ऑप्शन से चेक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक्स और वाई का अनुपात दे दिया, तो पूछ ले भाई इनका अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, एक्स को 3 रखो और वाई को 2 रखो और सॉल्व कर दो, जो आंसर मिलेगा वही अपना आंसर। आपसे पूछा है 2x² + 3y² का अनुपात 3x² - 2y² से। एक्स को 3 रखो, वाई को 2 रखो। एक्स को 3 रखा तो भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 की गुणा 2 से 18। वाई को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 की गुणा 3 से 12। एक्स को 3 रखा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। वाई को 2 रखा तो ये बन गया 8। तो ये मुझे मिल जाएगा, इनका जोड़ हो गया 30, अनुपात ये हो गया 19, 30:19, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए और बी का अनुपात आपको कह रहा है बी अनुपात सी के बराबर है। ठीक है,
यानी ए बटा बी बराबर दे दिया बी बटा सी, जो कि मैं कह सकता हूँ बी स्क्वायर बराबर है ए सी के, ठीक, यानी कि बी जो है वो ए और सी का मध्यानुपात है। और आपसे पूछा है ए की घात चार का अनुपात बी की घात चार से क्या होगा, तो देखो बी का स्क्वायर जब ए सी के बराबर है तो इसका मैं अगर वर्ग कर दूं, बी की घात चार किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है भाई, ए की घात चार का अनुपात बी की घात चार से, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा ए की घात चार अनुपात बी की घात चार की जगह लिख दूंगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर यहां जाएगा नीचे, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, चार में से दो गए दो, तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर बचेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन टू में है मेरे पास, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। चलिए भाई नेक्स्ट, एबीसी का अनुपात ये है, तो भाई ये किसके बराबर होंगे, कुछ नहीं ऐसे कैसे पुट कर दो, ए का मान दो रख दो, बी का मान तीन रख दो, सी का मान चार रख दो, तो ए बटा बी यानी भाई 2/3 अनुपात, बी बटा सी यानी 3/4 अनुपात, सी बटा ए यानी 4/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे तीन है, यहाँ पे चार और यहाँ पे दो है, आपको तीन चार और दो से मुक्ति चाहिए, तो आपको एक बड़ा अच्छा आंसर निकल के आएगा। तो एक ऐसी संख्या से इन तीनों को गुणा कर दो जो तीन के पहाड़े में भी आती हो, चार के पहाड़े में भी आती हो, और दो के पहाड़े में भी आती हो, वो होती है भाई 12, यानी इनका एलसीएम। तो मैं इन तीनों को 12 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं को मैं 12 से गुणा कर रहा हूं, तो देखो चलो अलग अलग लिख देता हूँ, इसको गुणा करूंगा 12 से, इसको भी गुणा करूंगा 12 से, इसको भी गुणा करूंगा 12 से, ठीक है, उसे उत्तर नहीं बदलेगा लेकिन चीजें आसान हो जाएंगी। तीन काटेगा वो 12 पे, चार पे तो 4 2 8, चार काटेगा 12 को तीन पे, 3 3 9, दो काटेगा 12 को छह पे, वो 6 6 24, सो 8:9:24, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं, तो ए प्लस में बी रूट तीन बराबर है ए 1/2 2-√3, तो ए अनुपात बी किसके बराबर होगा, ठीक है, तो ऐसे आसान सा सवाल है। देखो आपको दिया है 1/2 2-√3, इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन, उसमें आप करते क्या हो, बस जैसे बीच में माइनस दे रखा है तो आप प्लस लगा के गुणा कर दो और भाग कर दो इसको, अगर प्लस दे रखा होता तो मैं माइनस लगा के कर देता ये चीज, यानी अब माइनस दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, 2+√3/2-√3 से इसको गुणा कर दूंगा और भाग कर दूंगा। तो देखो भाई ऊपर तो मुझे मिल गया 2+√3, और नीचे देखो ए माइनस बी, अच्छा ये प्लस है ना, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब भाई 2 का स्क्वायर यानी 4, और बी का स्क्वायर मतलब भाई √3 का स्क्वायर, तो मैं ऐसे कह दूंगा 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा भाई 1 मिल जाएगा मुझे, तो मैं कह दूंगा ये बराबर हो गया 2/√3, और ये मुझे स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है भाई, किसके बराबर है, ए प्लस में बी रूट तीन, यानी ए किसके बराबर है भाई 2 के, और बी किसके बराबर है 1 के, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बी रूट तीन और यहाँ पे मेरे पास 1√3, सो मैं कहूंगा ए 2 होगा तो बी 1 होगा, तो 2:1 यानी ऑप्शन बी 2:1 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 2a = 3b = 4c, तो ए बी और सी का अनुपात, देखो भाई 2a = 3b = 4c, ठीक है, तो एक ऐसी संख्या से इनको भाग दे दो जो 2 को 3 को और 4 को इन तीनों से कट जाए, तो 2 3 और 4 से कौन सी संख्या कटती है भाई, इनका एलसीएम यानी कि 12, तो इन तीनों को मैं 12 से भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा भाई, नहीं, जब ये तीनों संख्याएं बराबर हैं तो मैं तीनों संख्याओं को अगर 12 से भाग दे दूंगा तो जो मुझे संख्याएं मिलेंगी वो भी तीनों बराबर ही होंगी, तो ऐसे मुझे क्या मिलेगा भाई, a/6 = b/4 = c/3, तो मैं क्या कहूंगा इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 6:4:3, 6:4:3, जो कि ये है ऑप्शन 3 में मेरे पास, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, ठीक है, ये अनुपात आपको दे रखे हैं, 4 की घात 3.5 का अनुपात 2 की घात 5 से, ठीक है, तो देखो 4 क्या होता है, 2 की घात 2 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 2 और उसकी घात 3.5, इसका अनुपात पूछा है 2 की घात 5 से। अब देखो 2 की घात 2 और उसकी घात 3.5 तो आपस में गुणा हो जाएंगी भाई, 2 गुणा में 3.5 कितना 7, तो मैं कहूंगा ये हो गया 2 की घात 7 गुणा में ना अनुपात में 2 की घात 5। अब दोनों तरफ 2 की घात 5 से मैं भाग दे दूं तो यहां मुझे बच जाएगा 2 की घात 2
अनुपात में एक, जो कि होता है 4:1। 4:1 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4:1। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चालों का अनुपात आपको दे दिया 4:3:5। चालों का अनुपात 4:3:5, और पूछा उनके द्वारा बी तक पहुंचने के लिए जाने वाले समयों का अनुपात क्या होगा, पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात। देखो, देखिए भाई, जब भी आपका डिस्टेंस फिक्स हो तो आपकी चाल और आपका समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करते हैं भाई, व्युत्क्रम में काम करते हैं। जैसे जैसे आपकी चाल बढ़ेगी आपको कम समय लगेगा, या जैसे जैसे आपकी चाल घटेगी तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं जब डिस्टेंस फिक्स हो, दूरी फिक्स कर रखी हो आपने, भाई यही दूरी है बदलूंगा नहीं। तो भाई अगर मैं पहले अगर चाल बढ़ा रहा हूं तो मेरी समय घटेगा, चाल घटाता हूं तो समय बढ़ता है, यानी एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। तो अगर इनके चालों का अनुपात ये है तो मैं कहूंगा इनके समय का अनुपात भाई इनका उल्टा होगा। मैं कहूंगा 1:4:1:3 1:5, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समय का अनुपात चाल के अनुपात के हमेशा उल्टा होता है। तो उसने पूछा ये है कि भाई इनका अनुपात निकालना है बस इसको। अब आप ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो 4, 3 और 5 इन तीनों से कटती हो, तो 4, 3 और 5 से क्या करता है अभी 60, 60। तो मैं इन तीनों को 60 से गुणा कर दूं, ठीक है। तो देखो, इसको भी 60 से गुणा कर दूं, ये ऊपर 60 आ जाएगा, इसको भी 60 से गुणा कर दूं, 60 आ गया, इसको भी 60 से गुणा कर दिया तो 60 आ गया। अब देखो, 4 60 को काटेगा 15 पे, 3 60 को काटेगा 20 पे, और 5 60 को काटेगा 12 पे। तो 15:20:12 जो कि ये रहा मेरे पास ऑप्शन सी में है, 15 20 12। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तो उनके समान दूरी तय करने के लिए लगे जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा, भाई इसका उल्टा होगा। अगर इनकी गति का अनुपात 5:4 है तो इनके समयों का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ठीक है, दो कार है मैंने मान ली ए और बी। अगर इनकी गति का अनुपात 5:4 है तो मैं कहूंगा इनकी चाल का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा भाई, 4:5। ठीक है, मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई कैसे भाई, वही बात है, इनके चालों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, मैं कहूंगा 1:5:1:4। फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, 4:5। ठीक है, वही चीज मैंने पहले लिख दी थी डायरेक्ट, यानी जो इनकी गति का अनुपात है उसका उल्टा इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।